आप सभी को जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी ने या किसी भी प्रकार से आपके घर का बंधन है, व्यापार का बंधन है, शरीर का बंधन है या आपका बुद्धि बंधन हो चुका है तो क्या करें, कैसे करें ताकि हम अपने आप से उस बंधन को खोल सकें। या मान लीजिए आपको पता ही नहीं बंधन भी है लेकिन फिर भी आपका काम नहीं चलता या आपके घर में, परिवार में या शरीर में परेशानी है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आप सभी को करके दिखाया जाए कुछ छोटे छोटे उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ऐसा ही आज एक उपाय आपको करना है। ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही चीज़ आपको करके दिखाऊंगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठना पड़ेगा शनिवार के दिन। सबसे पहले आप फिर बाद में कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, तो पहले ही क्लियर करता चलूं साथ के साथ। फिर भी अगर कोई बात रह जाए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। शनिवार के दिन ये काम होगा, सात शनिवार को करना पड़ेगा। कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। क्या करना होगा? सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। यहाँ पर बाबा हनुमान का कार्य है ये, और हम बाबा हनुमान के नाम का दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि बाबा हनुमान जागृत होइए। ओम श्री हनुमते नमः। घंटी जरूर बजाएं, घंटी बजाते रहोगे तो वो देवी देवता, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, उनकी ज्योति जलाने से पहले घंटी जरूर बजाएं। घंटी बजाते ही वो जागृत स्वरूप में आ जाते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। श्री राम दूताय नमो नमः। बाबा हनुमान का हमने दीपक जलाया है, बाबा हनुमान आ चुके हैं। अब हम अपना एड्रेस बाबा हनुमान को देंगे, अपना पता यानी संकल्प कैसे लिया जाएगा। जल है इसमें, थोड़ा सा हम जल अपने राइट हैंड में लेंगे, दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लिया। संकल्प करेंगे, हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, जो मैरिड महिलाएं हैं वो पति का नाम बोलेंगी, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, और इस समय मैं नहीं जानता कि मुझ पर कोई बंधन हुआ है, कोई क्रिया हुई है या क्या परेशानी है, मुझे नहीं पता। फिर भी अगर मेरे कोई शरीर का बंधन हो, मेरे घर का बंधन हो या किसी भी प्रकार से मेरे काम का बंधन कर दिया गया हो, मेरी बुद्धि का बंधन कर दिया गया हो, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके इस बंधन को खोलिए। इसके लिए मैं आपको अर्जी लगा रहा हूँ और कुछ जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको भेंट करने जा रहा हूँ, कृपा करिए। बाबा हनुमान जय श्री राम। जैसे ही भगवान श्री राम का नाम आप उड़ाओगे तुरंत बाबा हनुमान प्रसन्न हो जाएंगे। आगे के माध्यम से ये जल नीचे छोड़ दीजिए। ये हुआ आपका संकल्प। अब हम सबसे पहले अपने हाथ में 11 रुपए लेंगे, 11 रुपए, और बोलेंगे, हे बाबा हनुमान, यह 11 रुपए की अर्जी मैं आपको लगा रहा हूँ। आज शनिवार का दिन है और आज ही मैं इन 11 रुपए को या तो आप किसी हनुमान मंदिर में 11 रुपए दे दीजिए या इनका प्रसाद हनुमान मंदिर में बांट दीजिए, किसी भी हनुमान मंदिर में। तो यह बाबा हनुमान के श्री चरणों में हमने रख दिया। अब हमारे पास है 7 बतासे, 1 कपूर, 1 इलायची और 5 लौंग। इन सब चीजों को हम अपने हाथ में लेंगे। उसके साथ अगर आपके पास उपलब्ध हो सके तो, क्योंकि अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी वो चीज, मैं थोड़ा सा जल्दी में ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास किसी प्रेमी का फोन आया था, उसने ये सवाल किया था, तो जब हमें पता चला तो उस प्रेमी की बुद्धि का बंधन किया था, तो हमने सोचा भाई फोन पे कितने लोगों को बताएंगे, तो हम करके दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। ये सारी चीजें आप अपने हाथ में ले लीजिए और बाबा हनुमान से प्रार्थना करिए कि यह 7 बतासे, 5 लौंग, 1 कपूर, 1 इलायची हम आपको साक्षी मानकर अपना उतारा करते हैं। अगर आपके घर में परेशानी है तो पूरे घर की एक एंटी क्लॉकवाइज फेरी, एक एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी फेरी उतारा, अगर आप सीधी फेरी लगाओगे तो उसको परिक्रमा बोला जाए या फिर उल्टी फेरी लगाओगे तो उसको उतारा बोला जाएगा। तो आपको उतारा करना है। खुद के ऊपर परेशानी है तो खुद के ऊपर से, किसी और को परेशानी है तो किसी और के ऊपर से। अब मान के चलिए खुद पे कोई परेशानी है तो हम इसे उल्टे हाथ में पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड में, और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 7 बार। अब मेरे ऊपर तो कोई ऐसी बात है नहीं,
तो मैं ये उतारा नहीं करूंगा, ये चीज मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर कोई चीज ना हो तो उतारा नहीं करना चाहिए, क्यों उतारा करना किसी भी चीज का। तो ऐसे में आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे, ऐसे 7 बार उतारा करोगे, इन चीजों को मुट्ठी में रख के उतारा करोगे, 11 रुपए अलग से रखे हैं वो नहीं करना कुछ भी, इन चीजों का उतारा करोगे, और फिर इन चीजों को अपने हाथ में लेके अंजलि में रख के ऐसे, और बोलोगे कि हे बाबा हनुमान हमने उतारा किया है 7 बार आपका नाम लेकर। उतारा करते समय यही बोलना है, जैसे आपने इन चीजों को लिया और उतारा किया, ऐसे उतारा किया आपने, मैं सिर्फ आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, हे बाबा हनुमान जो भी गंदी शक्ति है या जो भी मेरा बंधन है वो बंधन टूट जाए, 1 बार 2 बार 3 बार 7 बार आपको लगातार यही बात बोलनी है, फिर इन चीजों को हाथ में लेना है और कहना बाबा हनुमान जो भी कोई बंधन था या कोई शक्ति थी वो इनमें बैठ जाए, ले जाइए आप इनको किसी भी सुनसान स्थान पर, यह काम आप किसी भी समय कर सकते हो, शनिवार के दिन किसी भी समय सुनसान स्थान पर ले जाना है जहां आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, यह काम कोई भी कर सकता है, घर में किसी महिला को परेशानी है तो कोई पुरुष ये काम करके उसके नाम से और बोल दे कि इसको परेशानी है और मैं इसका ये लगता हूं, मेरा इसके साथ ये रिश्ता है, आप किसी सुनसान स्थान पर चले जाना, वहां जाके अपने राइट हैंड में जो बतासे हैं उनको पकड़ोगे राइट हैंड में और कहोगे हे बाबा हनुमान जो भी कोई बंधन है गंदी शक्ति है वो चली जाए, ऐसा बोलकर आपको ऐसे पीछे फेंकने हैं अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से पीछे की ओर फेंकोगे और देखोगे नहीं उनको पीछे मुड़के कि आपने क्या फेंका है क्या नहीं फेंका है। उसके बाद ये जो है आपके पास लौंग है, इलायची है, कपूर है, आप या तो जायफल भी ले सकते हो या सुपारी भी ले सकते हो, अगर लोगे तो वो और जल्दी काम करेंगी वो चीजें, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब इनको हाथ में लोगे और कहोगे बाबा हनुमान जो भी गंदी शक्ति है उसको आप जलाकर भस्म कर दीजिए, फिर आप इस कपूर को वहीं पर जलाकर छोड़ दोगे और कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं कहना है, ना ही प्रणाम करना, कुछ भी नहीं करना, जलाते ही ये बोलना है बाबा हनुमान जो भी गंदी शक्ति है भगवान श्री राम का नाम लेते हुए उस शक्ति को जलाकर भस्म कर दीजिए, और आप बिना पीछे देखे अपने घर आ जाओ, घर आकर आपको घर के मंदिर में अगर वो दीपक जलता हुआ मिले अच्छी बात है, ना मिले एक दीपक और जलाओ, अलग से दीपक जलाओ, उस समय पर बैठकर कहना है आपको कि बाबा हनुमान जिस शक्ति को हम छोड़कर आए हैं उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आपसे प्रार्थना है कि वो शक्ति हमें परेशान ना करे, ऐसा बोलकर आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, 1 बार श्री राम स्तुति पढ़नी है और आपको बाबा हनुमान को प्रणाम करके कहना है कि ये जो 11 रुपए थे इनकी मैं मंदिर में या तो प्रसाद बांट दीजिए या दान पात्र में डाल दीजिए बाबा हनुमान के मंदिर में। अब आपने जैसे ही ये काम किया आप खुद देखने लग जाओगे कि आपके शरीर में और आपके घर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह काम कितने दिन करना है? यह काम आपको 7 शनिवार को लगातार करना है। काम आपका आप देखोगे 3रे या 4थे शनिवार को आपको महसूस हो जाएगी वो चीज कि काम चल पड़ा है। काम तो पहले ही शनिवार से चल पड़ेगा लेकिन मैं बोल रहा हूं 7 शनिवार करना ही पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि कुछ मेरी भी मर्यादाएं हैं, मैं उन मर्यादाओं को लांघ नहीं सकता। हाँ ये बता देता हूं कि पहले ही शनिवार से असर शुरू हो जाएगा लेकिन 7 शनिवार करना ही पड़ेगा। अब हो सकता है कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल हो, खासकर महिलाओं का, कि अगर मासिक धर्म की प्रक्रिया हो और बीच में कोई शनिवार छूट जाए तो छोड़ दीजिए, लेकिन करना 7 शनिवारों को है, जरूरी नहीं लगातार करोगे, अगर लगातार करते हो तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और वो कंटिन्यूटी बनी हुई है तो वो जो चोट लगेगी वो हद से ज्यादा लगेगी और तुरंत प्रभाव से आपका काम हो जाएगा। इस दौरान अगर आपके शरीर पर या आपके घर में कोई नेगेटिविटी होगी, कोई मलिनता, कोई चोक चौराहे से आई हुई शक्ति होगी, या किसी ने भी आपके घर का बंधन कर रखा होगा, शरीर का बंधन होगा, बुद्धि का बंधन होगा या व्यापार का बंधन होगा, वो बंधन धीरे धीरे आप देखोगे बाबा हनुमान उसको तोड़ देंगे और आपको हर प्रकार से आपके कार्य में सहायता देंगे। तो आप ऐसा कार्य करिए, 7 शनिवार को ये करिए, आपको 3रे या 4थे शनिवार को असर अलग से दिखाई देने लगेगा और आपको होगा कि बाबा ने हमारी जिंदगी बदल दी। कुछ प्रेमियों का ये भी सवाल रहता है कि आपसे जुड़ना है, तो नीचे हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई इसके अलावा कोई कमेंट है तो इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हो। बाकी सभी वीडियो बाबा श्याम, बाबा हनुमान से संबंधित, घर से संबंधित, पितरों से संबंधित,
हम समय समय पर आप सभी को करके दिखाते हैं। और यह जो चैनल आप देख रहे हो अशोक कुमार शारवा धाम आपका अपना चैनल है, या फिर एमबी रिकॉर्ड भक्ति चैनल पर इसको देख रहे हो यह भी आपका अपना चैनल है। एमबी रिकॉर्ड भक्ति पर इस समय 5 लाख के आसपास प्रेमी जुड़ चुके हैं। क्या आपको जुड़ने में शर्म आती है? अगर लगे कि यह वीडियो जान अच्छी एक यूजफुल थी, जानकारी थी इसमें कुछ, तो अन्य प्रेमियों को दिखाइए, क्योंकि हर तीसरा घर आज परेशान है भाई। अगर इन छोटी छोटी उपायों से आपका काम बन जाता है तो क्या नुकसान है? कोई गलत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। जय श्री श्याम, राधे राधे।